भाई नमस्कार पहला। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, और आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया, और आज है गोवर्धन पूजा। तो अभी थोड़ी देर में पापा कह माता की पूजा करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो आप बने रहिए ब्लॉग में और ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहिए। तो देखो आज जैसे ही गोवर्धन पूजा है तो हम गौ माता की पूजा कर रहे हैं पापा यहाँ पे, देख सकते हैं फूल माला और ये हताई बोलते हैं यहाँ पे, हाथ हाथ से लगाते हैं इसको हताई। और जो बैल होती है उसको माला लगाते हैं, और यहाँ पे हमारी गाय है तो आज उसकी पूजा करेंगे पापा यहाँ पे। पहले गौ माता के पैर धोते हैं, उसके बाद जो उसके सिंग होते हैं उसमें तेल लगाया जाता है। देख के आना कानी कर रहा है, उसको लग रहा है क्या कर रहे हैं करके, इसलिए डर रहा है वो। अब इसको टीका भी लगाएंगे, तो टीका लगा दिया है यहाँ पे। आप उसी गले में माला डालेंगे, माला बनाई है। तो ये चावल का है, इसे पानी डाल दें, आप इसको ऐसे घोलेंगे और फिर ऐसे हाथ से ऐसे निशान करेंगे। अभी दिखाता हूँ आपको, अंदर रहिए आप। पहाड़ों में भी हर जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। ज़्यादा पता करेगा। तो गौ माता की पूजा होगी हमारी संपन्न। बाकी आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, पहाड़ों में ये है ठीटा, वैसे सभी जानते हैं इसको, बट कोई नहीं जानता होगा। तो जब टूरिस्ट लोग पहाड़ों में आते हैं तो इसे बहुत शौक से ले भी जाते हैं अपने साथ में, और उसमें पेंट वेंट करके वो सजाते हैं। तो पहाड़ों में इसका जलाने का काम आता है पहाड़ों में। अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है तो पहाड़ों में इसको जलाते हैं शाम के टाइम पे, और जो इसके कोयले होते हैं वो फिर अंदर रखा जाता है रूमों में, कमरों में।
बाकी यहाँ पर लकड़ी रखी कुछ, तो सभी संसाधन सर्दी के लिए रखे गए हैं। बाकी आज काफी अच्छी धूप है।